हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आपको जो SI की भर्ती रुकी हुई थी, जिसके कारण जो सभी स्टूडेंट थे यहाँ पे जो कि निराश हो गए थे, तो उन लोग के यहाँ पे गुड न्यूज़ होके आ रही है। तो यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर जो भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे जो रुकी हुई थी, आपका जो एग्ज़ाम था 6 नवंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन आरक्षण के नाम से जो कि पेपर रद्द कर दिया गया था। तब इसको प्रोसेस जल्दी इसका जो कि यहाँ पे आदेश दे दिया गया है हमारे जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी द्वारा, सब इंस्पेक्टर जो भर्ती प्रक्रिया फिर से यहाँ पे शुरू कर दी गई है। तो युवा दिवस के यहाँ पे जो दिवस पर ये हमारे जो मुख्यमंत्री है तो बघेल जी ने हाल ही में घोषणा जो आरक्षण के रद्द होने के बाद जो टली गई थी परीक्षा, आप उसको फिर से यहाँ पे प्रोसेस के लिए बोले गए हैं सभी अधिकारियों को। तो आपका जो परीक्षा का डेट है जल्द ही आने वाला है, तो आपका जो तैयारी है बढ़िया कीजिए। तो आप ये आपका 2023 वो साल है जो आप जॉब ले सकते हैं। तो आइए डिटेल देखते हैं इसमें क्या क्या बोला गया है। तो इसमें जो हम बात करें तो इसमें लगभग 971 पद यहाँ पे निकाला गया था सब इंस्पेक्टर वगैरह के लिए। तो 971 पदों पर होनी है यहाँ पे भर्ती। तो छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया फिर से यहाँ पे शुरू होगी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवा दिवस के मौके पर अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू करने के यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आरक्षण के संकट को देखते हुए सरकार ने इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया था। उस समय यहाँ पे आरक्षण के नाम से जो कि आपका जो पेपर था 6 नवंबर का होना था, लेकिन आरक्षण के मुद्दे को लेकर यहाँ पे आपके जो पेपर है सब इंस्पेक्टर के जो कि भर्ती को रद्द कर दिया था। आपके जो परीक्षा 6 नवंबर को होनी थी उस पेपर को रद्द कर दिया था आरक्षण के नाम से। तो इस प्रक्रिया को यहाँ पे रोक दिया था। इसके जरिए 971 पदों पर भर्ती की जानी है। तो इस पर टोटल 971 जो कि अलग अलग पोस्ट पर इसमें भर्ती होनी है। तो यहाँ पे तो सब इंस्पेक्टर यह भर्ती प्रक्रिया 2022 में जो कि शुरू हुई थी, यह जो भर्ती प्रक्रिया 2022 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसके लिए यहाँ पर 16 अक्टूबर 2022 तक आवेदन भरा जाना था। तो आपका जो ऑनलाइन है फॉर्म वगैरह, इसमें 16 अक्टूबर 2022 तक आवेदन भरा जाना था, लेकिन बाद में इसको 20 अक्टूबर तक बढ़ा दें। लेकिन जो आपके फॉर्म है जो सभी ऑनलाइन जो फॉर्म भरा था फिजिकल के बाद एग्ज़ाम के लिए, तो इसको 16 अक्टूबर 2022 तक आवेदन को फॉर्म को जो कि भरा जाना था, लेकिन बाद में इसको डेट को बढ़ा के 20 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था डेट को। तो इसको डेट को बढ़ाया गया था बीच में। तो इसकी जो परीक्षा है 6 नवंबर को होनी थी, मैंने अभी बताया जो इसकी परीक्षा है 6 नवंबर को होनी थी, लेकिन इसकी 19 सितंबर को आए उच्च न्यायालय के आरक्षण संबंधी जो फैसले के बाद नौकरी में आरक्षण की स्थिति अस्पष्ट हो गई। लेकिन आरक्षण के नाम से यहाँ पे डिले होते आ रहा था। तो यहाँ पे आंदोलन भी यहाँ पे कर रहे थे हमारे जो युवा है। तो यहाँ पे 22 अक्टूबर को व्यापम ने इसकी परीक्षा को स्थगित करने की अधिसूचना जारी कर दी। इसका प्रदेश भर में विरोध हो रहा है, यहाँ पे विरोध भी चल रहा था। परीक्षा का तैयारी कर रहे बहुत से जो अभ्यर्थी लेकर रायपुर में यहाँ पे प्रदर्शन भी कर चुके हैं। तो सब युवा पे जो कि आपको जो उनकी करियर पे दाव पे लगा था, तो यहाँ पे जो सभी अभ्यर्थी यहाँ पे रायपुर में प्रदर्शन भी कर रहे थे। तो यहाँ पे तो इस कारण चलते हुए अब यहाँ पे विभाग को यहाँ पे आदेश दे दिए। तो जल्द ही आपके जो एग्ज़ाम रुका हुआ था तो कुछ ही दिन में आपका जो जैसे नोटिफिकेशन इसका आता है मेन वाला, वैसे मैं अपलोड कर दूंगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो जल्द ही इसका आपका एग्ज़ाम का डेट आने वाला है। तो आपकी जो तैयारी है बढ़िया कीजिए। यही साल है जो आप सिलेक्शन ले सकते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दें। और यहाँ पे बताना चाहूँगा आपकी जो छत्तीसगढ़ पुलिस की लगभग सभी ज़िले में 4 जिला जो नया बनाया है, चारों ज़िलों में अभी लगभग 1100 वैकेंसी ने यहाँ पे जो कि पदों पे जो कि भर्ती होने वाली है। तो उसके लिए भी तैयार रहिए, पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं तो अभी से बढ़िया तैयारी कीजिए। तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का भी जो एग्ज़ाम डेट आने वाला है कुछ दिन में, इसका प्रोसेस यहाँ पे जल्दी करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई थी इन पदों पर यहाँ पे जो होनी है भर्ती, जो इस परीक्षा के जरिए सूबेदार में 58 पद निकाली गई है, सब इंस्पेक्टर के लिए 577 पद, सब इंस्पेक्टर अंगुल चिन्ह के लिए 6 पद, सब इंस्पेक्टर यहाँ पे प्रश्नाधीन दस्तावेज 3 पद, सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर जो इसमें सब कंप्यूटर दूरसंचार 9 पद,
और यहाँ पे सब इंस्पेक्टर जो स्पेशल ब्रांच के लिए 69 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई थी, वो आपके प्लाटून कमांडर के लिए 247 पदों पर भर्ती होनी है। तो लगभग 971 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। तो लगभग इसमें इतने सारी वैकेंसी अभी पहले जो SI के लिए भर्ती निकाली है यही वाली है। तो इसमें पूरा इतना आपको जो कि वैकेंसी को फुल करना है। उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ पुलिस जो कि कुछ दिन में आने वाली है उसका भी घोषणा हो गया है। जैसे ही सूचना आता है तो उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। तो अभी से बढ़िया तैयारी कीजिए, आपके SI की भर्ती जैसी डेट आता है एग्ज़ाम डेट वैसे ही आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। इसका प्रोसेस वगैरह है इसको जारी रखने के लिए बोल दिए गए। तो बढ़िया अभी से तैयारी कीजिए, मन लगा के पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, 2023 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा मान के चलिए। तो चलिए बस आज के लिए ये नोटिफिकेशन था कि जो युवा तैयारी कर रहे हैं वो तो इसलिए इसी माध्यम से सूचना को मैंने बनाया हूँ जो आप तक पहुँच पाए। तो अच्छा से तैयारी कीजिए, ज़रूरतमंदों से शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका पता चले। तो चलिए बस आज के लिए, अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और कोई भी अगर पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।